एसएचएम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ इन एसएचएम यूवीडब्ल्यू विद द वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेस ए बी सी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स सो दैट टी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। डायग्राम इसका बनाते हैं। तो लेट्स से वो सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ पे होगा कोई ओ, और फिक्स्ड पॉइंट इस लाइन पे एफ है, पॉइंट पी पे यू वेलोसिटी है, पॉइंट क्यू पे वी वेलोसिटी है, और पॉइंट आर पे उस पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी डब्ल्यू है। पॉइंट पी की इस फिक्स्ड पॉइंट से ए डिस्टेंस दे रखे हैं, क्यू की बी है और आर की सी डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे हमें टी ए बी सी और यू वी डब्ल्यू के टर्म में एक एक्सप्रेशन निकालना है। हमें वेलोसिटीज़ दे रखी हैं और डिस्टेंस दे रखे हैं, तो हमें वेलोसिटी के फॉर्मूला जैसे हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर को म्यू भी लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब वेलोसिटी यू दे रखे हैं इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर, लेट से वो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेंटर ऑफ फोर्स से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स ये है ओ और पॉइंट पी है, पॉइंट पी की सेंटर ऑफ फोर्स से क्या डिस्टेंस होगी? लेट से वो फिक्स्ड पॉइंट की सेंटर ऑफ फोर्स से अगर एल डिस्टेंस है तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी? एल प्लस ए, और पॉइंट पी की क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एल प्लस बी, और पॉइंट आर की क्या डिस्टेंस हो जाएगी? एल प्लस सी। तो इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रखी और वी की करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज रखी। पहला क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एल प्लस ए का होल स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा क्या आ जाएगा? डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको एल प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको ओपन कर दिया एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एल से, और उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एल ए प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को भी इस टर्म इस तरह लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ कहाँ क्या इसमें लाना है? ए बी सी और यू वी डब्ल्यू में लाना है एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि म्यू म्यू में तो टी छिपा हुआ है तो उसमें हम टी मिला सकते हैं, तो हमें एलिमिनेट क्या करना होगा? जो हमने मानी हुई क्वांटिटी है यानी कि एल हमने माना हुआ है और कैपिटल ए एम्पलीट्यूड माना हुआ है, तो एल और ए को एलिमिनेट करना है। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की मदद से, यानी कि यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे टू ए, क्योंकि टू वगैरह ये सब जो है ये कट जाएंगे, और ये वाला एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखा तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हट जाएगा क्योंकि सारी रो में कॉमन है, इज इक्वल टू जीरो। अब इसे क्या करेंगे? म्यू स्क्वायर बाई यू को एक तरफ और ए स्क्वायर वाला टर्म दूसरी तरफ, तो हमारे पास ये आया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, और लास्ट में हम क्या रखेंगे? म्यू की वैल्यू टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन म्यू होता है, टू पाई अपॉन म्यू रूट म्यू होता है। तो लास्ट में हम म्यू की वैल्यू क्या रख देंगे? फोर पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो हमारा जो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है।